हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू डाउटनेट। तो कल की छुट्टी में भाई क्या किया? कल तो रिपब्लिक डे था, तो आई होप आप सभी ने टीवी पर परेड देखी होगी, है ना, और थोड़ा बहुत ट्रायंगल्स को रिवाइज भी किया होगा, राइट? क्योंकि हमने पिछले दो लेक्चर्स में क्या किया था, ट्रायंगल्स के ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, राइट? यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, और आज की क्लास में यानी लेक्चर नंबर 3 में भी हम वही डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलें आगे। ओके, चलिए। सो इट्स टाइम फॉर एन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्विज, क्योंकि ट्रायंगल्स हम ऑलरेडी बहुत बार अच्छे से कर चुके हैं, उसके ऊपर मेगा क्विजेस भी हो चुकी हैं, एंड दो लेक्चर्स तो हमने दे भी दिए हैं इसके ऊपर, राइट? सो अब हम करते हैं अपनी क्विज को स्टार्ट, एंड लेट्स बिगिन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल बी सी। डी ई क्या दिया है? पैरेलल दिया है बी सी के। ए डी इज इक्वल टू 4x-x, ए ई इज इक्वल टू 8x-7, बी डी इज इक्वल टू 3x-1, एंड सी ई इज इक्वल टू 5x-3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या करना है आपको? फाइंड करना है। पैरेलल दिया हुआ है, जब भी हमें पैरेलल दिया होता है हम क्या करते हैं? ओके, नेक्स्ट वन। इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल ए सी एंड एक्स वाई डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू रीजन्स इक्वल इन एरिया, यानी उन दोनों रीजन्स का क्या है? एरिया इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना एकदम। जब भी हमें पैरेलल दिया हो, एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है वो जो पैरेलल है, उसमें क्या यूज करते हैं? हमें सिर्फ एक ही थ्योरम पता है उससे रिलेटेड, तो सोचो उसे। ओके, चलिए डिस्कस करें। सो ये हमें फिगर दी हुई है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल बी सी। ओके, डी ई पैरेलल बी सी है, देन अगर लाइंस पैरेलल हैं दैट मीन्स बाय विच थ्योरम? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में से बी पी टी भी कहा जाता है ना। सो बाय बी पी टी क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट? ये चीज ट्रू होती है ना। सो ए डी की वैल्यू क्या है? 4x-3 अपॉन डी बी इज 3x-1 विच इज इक्वल टू ए ई विच इज 8x-7 अपॉन सी ई विच इज 5x-3। अब x की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स यू विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x-3 इंटू 5x-3 विच इज इक्वल टू 8x-7 एंड दिस बिकम्स 3x-1। क्लियर? ये हो जाएगा 20x²-12x-15x प्लस 9 इज इक्वल टू 24x²-8x-21x प्लस 7, राइट? ये आया। ओके, चलिए यहां पे प्लस 7। ओके, डन। सो अब हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? ठीक है जी, चलिए। सो यहां पे क्या कर लेते हैं? सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 20x² -± दैट इज दिस विल बिकम -27x + 9 -24x², दिस इज -± दैट इज -29। शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? +29x, राइट? और ये -7 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना। अब ये हो जाएगा -4x², दिस विल बिकम +2x एंड दिस विल बी +2 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? -2 कॉमन ले लो, ठीक है? -2 कॉमन लिया, दिस विल बी 2x², दिस इज -x
माइनस एक्स माइनस वन इज जीरो. दैट मीन्स हमारी सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज जीरो. ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है. देखो सारे चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है ना कहीं ना कहीं. ट्राइंगल्स में आपका क्या यूज हुआ, बीपीटी यूज हुआ. फिर इक्वेशन बीपीटी यूज करते ही इक्वेशन जो बनी वो बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए. और उसके हमने क्या पढ़े हैं, दो मेथड्स पढ़े. सबसे बेसिक मेथड क्या है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. राइट, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. देखिए टू और माइनस वन, टू इंटू माइनस वन विल बी माइनस टू, यानी माइनस टू हमारा प्रोडक्ट है. तो माइनस टू के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका सम क्या है, माइनस वन. दैट इज माइनस टू इंटू वन. तो सम क्या हो रहा है, सम हो रहा है माइनस वन. राइट, सो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन इज जीरो. राइट, यहाँ से मैं टू एक्स कॉमन ले सकती हूँ. सो दिस विल बी एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन विच इज जीरो. सो दो फैक्टर्स बने, टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन विच इज जीरो. ठीक है, एक्स की वैल्यू एक बार आ गई माइनस हाफ और एक्स की वैल्यू एक बार आ गई वन. तो आप क्या कर दोगे, फटाफट से आपने देखा और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी टिक कर दिया. अब आप बोलोगे कि मैम दोनों ऑप्शन पे तो टिक कर नहीं सकते. तो अगर आप सिर्फ ऑप्शन सी पे क्लिक करोगे तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है. क्यों, क्योंकि आप x की वैल्यू कहीं पर भी यहाँ पे पुट करोगे ना तो वो क्या आएगा, अगर माइनस हाफ पुट करते हो ना तो वो नेगेटिव आ जाएगा. यानी कि x की वैल्यू माइनस हाफ आप पुट करिए, कहाँ पर पुट करेंगे, चलिए AD में पुट करते हैं. AD क्या हो जाएगा, 4x माइनस थ्री दैट इज माइनस फोर बाय टू माइनस थ्री दैट बिकम्स माइनस टू माइनस थ्री विच इज माइनस फाइव. तो भाई AD यानी AD की लेंथ माइनस फाइव सेंटीमीटर कभी हो सकती है, नहीं हो सकती ना. दैट मीन्स x कैन नेवर बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू. राइट, तो इसीलिए x क्या है हमारा, हमेशा वन होगा. इसीलिए ऑप्शन ए इज दी ओनली करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा. तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए दैट इज x इज इक्वल टू वन. x इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि AD क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है. और लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है ना, तो इसीलिए आंसर इज x इज इक्वल टू वन. क्लियर, चले आगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 3 मार्क्स में डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं. राइट, देखिए कैसा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, यानी कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें XY इज पैरेलल AC. हमें दिया हुआ है XY जो है वो AC के क्या है, पैरेलल है. XY डिवाइड्स ट्राइंगल AB, यानी XY जो लाइन है ये दैट डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इंटू टू रीजन्स, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इन दोनों पार्ट्स का जो एरिया है ना वो इक्वल है. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BYX इज इक्वल टू एरिया ऑफ XYCA. ठीक है, इन दोनों रीजन्स का क्या है, एरिया बराबर है. क्लियर, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, इन दोनों पार्ट्स के एरिया का सम है ना. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BYX प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ XYCA. राइट, यही होगा और इन दोनों का एरिया इक्वल है. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2 times एरिया ऑफ ट्राइंगल BYX. राइट, ये चीज हम लिख सकते हैं. दैट मीन्स अब क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BYX इज इक्वल टू 2/1. यानी रेशोज ऑफ देयर एरियाज आ गया, रेशो ऑफ देयर एरियाज आ गया. क्लियर, अब वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ AX अपॉन AB. यानी AX अपॉन AB कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BXY, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BXY, इन दोनों को अगर मैं सिमिलर दिखा दूं, तो हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. है ना, हम ये जानते हैं, थ्योरम हमने पढ़ी हुई है. तो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दूँ तो मेरा काम आ जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना, कि ये एरियाज की रेशो आ गई, हमें साइड्स की रेशो निकालनी है, हमें ये चीज़ जाननी है, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी फिर. राइट, अब इसको सिमिलर दिखाएंगे कैसे, देखिए ये दोनों लाइन्स हमें पैरेलल दी गई हैं,
तो डेफिनेटली दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी या एक्स बी वाई, ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है. एंगल बी और बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, एंगल बी बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, सो दैट मीन्स बाय ए ए रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो बाय ए ए रूल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, एक्स बी वाई, राइट, एक्स बी वाई हो गया, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स बी वाई, क्लियर. अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो दैट मीन्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी, सो ए बी अपॉन एक्स बी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी वाई विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई, क्लियर, ये चीज आ गई यहां से, है ना. अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, ए एक्स अपॉन ए बी, और हमारे पास क्या है कि ए बी अपॉन एक्स बी, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन एक्स बी हम जानते हैं विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी, यानी कि ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू टू इज टू वन, सो अगर ए बी मेरा क्या हो गया, ए बी पूरा का पूरा मेरा टू एक्स हो गया, तो एक्स बी क्या हो रहा है, मेरा एक्स हो रहा है, दैट मीन्स ए एक्स क्या है, ए एक्स इज एक्स, राइट, सो ए एक्स क्या हो गया, ओके, ठीक है, सो ए बी, ओ दिस इज स्क्वायर, डन, ठीक है, सो अगर ए बी मेरा, वेट, अगर ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर इज टू इज टू वन, सो दैट मीन्स ए बी इज रूट टू एक्स एंड एक्स बी क्या हो गया, एक्स हो गया, क्लियर, तो अगर ये पूरा मेरा रूट टू एक्स है, सो दिस बिकम्स एक्स, सो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स विल बी रूट टू एक्स माइनस एक्स, राइट, यानी कि रूट टू माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है, सो ए एक्स क्या हो गया, ए एक्स अपॉन, ओके, ये चीज इरेज कर देते हैं, सो ए एक्स, ए एक्स अपॉन ए बी क्या हुआ, ए एक्स इज रूट टू माइनस वन एक्स अपॉन, ए बी क्या है, रूट टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, दिस इज रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू. अब अगर हम रैशनलाइज करेंगे, अगर आपने ये आंसर देखते ही ऑप्शन डी पे टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टू, सो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस रूट टू अपॉन टू, एंड दिस इज आर आंसर, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर. सो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, और इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आप ये चीज निकालोगे कैसे जब आपको एरियाज की बात करी गई है, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी बाय एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर, राइट, इस चीज का हमने यूज किया एंड आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में मैंने परसों की क्लास में ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा था, तो किया सबने होमवर्क, भाई प्रैक्टिस करी या सिर्फ मजे किए कल के दिन, चलिए देखते हैं भाई किस किस ने प्रैक्टिस करी और किस किस का करेक्ट आंसर आया और किस किस से सॉल्व हुआ, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैंने आप लोगों को क्या दिया था, हिंट भी दिया था. हिंट क्या दिया था कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी थी, क्या कंस्ट्रक्शन करनी थी, सी जी, राइट, मैंने बोला था इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी, दैट ड्रॉ सी जी पैरेलल डी एफ, राइट, ये कंस्ट्रक्शन होनी थी इसमें, सी जी पैरेलल डी एफ, क्लियर. चलिए हमें दिया क्या क्या हुआ है, गिवन दैट इज एंगल बी ई डी, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बी डी ई, सो गिवन भी लिख लेते हैं, गिवन इज एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई डी, ठीक है, ये दोनों गिवन है, एंड एंगल ई बाइसेक्ट्स या डिवाइड्स एंगल
सॉरी एंड ई डिवाइड्स बी सी इन द रेशो 2:1, यानी कि ई जो है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है इन रेशो 2:1, दैट इज बी ई अपॉन ई सी इज 2:1. ये भी चीज हमें गिवन है, ठीक है. प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है ये भी लिख लेते हैं. टू प्रूव, मैंने आपको बताया है गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, सब चीजें लिखना स्टेप बाय स्टेप बहुत ही जरूरी है, राइट. टू प्रूफ क्या है, ए एफ इंटू बी ई इज इक्वल टू 2AD इंटू सी एफ, राइट. ये चीज क्या करनी है, हमें प्रूफ करनी है. डन, ओके. चलिए अब देखो, इस ट्राइंगल में अगर आप कंसिडर करो प्रूफ इन ट्राइंगल बी डी ई, इस ट्राइंगल में अगर हम कंसिडर करें तो हमें क्या गिवन है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो क्या होता है, जब भी एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं हमें मालूम है कि देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल. हम जानते हैं ना कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट. सो एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई डी, दिस इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू बी ई, है ना. ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है. इसको वन मान लिया, क्लियर. तो बी डी इज इक्वल टू बी ई आ गया, डन. उसके बाद अब जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है उसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा, है ना. चलिए, सो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करूं, मैंने क्या कंसिडर किया, ट्राइंगल, ओके. अगर मैं ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करूं, सी जी बी, अगर मैं ट्राइंगल सी जी बी कंसिडर करूं, ट्राइंगल सी जी बी, दिस ट्राइंगल, ठीक है, सी जी बी ट्राइंगल कंसिडर किया, तो हमें मालूम है कि सी जी इज पैरेलल डी एफ, तो यानी कि सी जी और डी ई भी पैरेलल होंगे. तो सी जी इज पैरेलल डी ई, राइट. सी जी और डी ई क्या है, पैरेलल है, है ना, ठीक है. सी जी और डी ई क्या है, पैरेलल है. अब अगर एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, देन हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, बीपीटी, है ना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. दैट मींस बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनकी रेशियोज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी जी, बी डी अपॉन डी जी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, राइट. और ये क्या है, ये है 2:1, ये चीज हमें गिवन है, है ना. सो ये है 2:1, दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू 2DG, ठीक है. बी डी इज इक्वल टू 2DG, और हमें 1 से पता है कि बी डी और बी ई बराबर है, दैट मीन्स बी ई इज इक्वल टू 2DG, ठीक है. सो इसको मान लिया 3, डन. इतना समझ आया, ठीक है भाई. अब ट्राइंगल ए डी एफ कंसिडर करो, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना है, ए डी एफ. सो इन ट्राइंगल ए डी एफ, यहां पे हमें क्या दिया है, सी जी पैरेलल डी एफ, राइट. हमें ये दिया है, कंस्ट्रक्शन करी है हमने सी जी पैरेलल डी एफ, तो यहां पे भी क्या लगेगा, बीपीटी, है ना, लगेगा बीपीटी. चलिए तो बीपीटी लगा लेते हैं. सो बाय बीपीटी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज इसको ध्यान से समझिए. सो बाय बीपीटी क्या होगा, बाकी की जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, सेम रेशो में डिवाइड होंगी, है ना. सो ये क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन डी जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी एफ, राइट. सो हो जाएगा ए जी अपॉन डी जी ए सी अपॉन सी एफ, है ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी, ओके, डन. अब मैं क्या करती हूं कि हमें क्या देखना है, देखिए ए डी सी एफ और एफ ए एफ बी ई, ये चीजें देखनी है हमें, है ना. हमारे पास क्या आ गया, ए जी आ गया, लेकिन हमें ए डी चाहिए, हमें ए डी चाहिए, राइट. हमारे पास ए जी है लेकिन हमें ए डी चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा ना, ए जी प्लस जी डी क्या होता है, ए डी होगा, है ना. इसीलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड 1 टू बोथ साइड्स, वी गेट, क्योंकि टू प्रूव लिखने का यही फायदा है कि जो चीजें हमें चाहिए उसी का ही हम क्या करेंगे, उसी को ही लाने की कोशिश करेंगे, और जो चीजें हमें गिवन है उनका क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, है ना. चलिए, सो ए जी अपॉन जी डी प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी एफ प्लस 1, ठीक है. सो ए जी प्लस जी डी अपॉन जी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी एफ अपॉन सी एफ,
क्लियर? सो ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा अपॉन जी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी एफ, ए सी प्लस सी एफ इज ए एफ, ठीक है, ए एफ अपॉन सी एफ, क्लियर? ये चीज आई, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू ए एफ इंटू जी डी, ठीक है. सो ए डी इंटू सी एफ तो आ गया, ए डी इंटू सी एफ चाहिए था वो आ गया हमारे पास. अब हमारे पास ए एफ भी है, ठीक है, ए एफ भी है, लेकिन ए एफ के साथ क्या चाहिए, बी ई चाहिए, और बी ई यहाँ पे क्या है, जी डी. तो जी डी को बी ई के टर्म्स में लिख सकते हैं, देखिए जी डी को बी ई के टर्म्स में लिख सकते हैं, बी ई इज टू डी जी, दैट इज बाई यूजिंग थ्री. सो बाई यूजिंग थ्री, थ्री क्या है हमारे पास, बाई यूजिंग थ्री, थ्री क्या है, बी ई इज इक्वल टू टू डी जी. सो डी जी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ई बाय टू, राइट. डी जी को हम लिख सकते हैं बी ई बाय टू, राइट. चलिए लिखिए फटाफट से, ओके. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू ए एफ इंटू बी ई डिवाइडेड बाय टू. टू को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, सो टू ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू ए एफ इंटू बी ई, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी. सो हेंस प्रूव्ड, राइट, यही चीज प्रूव करनी थी. देखिए ए एफ इंटू बी ई इज इक्वल टू टू ए डी इंटू सी एफ, राइट. सो ए एफ इंटू बी ई इज इक्वल टू टू ए डी इंटू सी एफ, और यही चीज हो गई प्रूफ, क्लियर. तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने ये कंस्ट्रक्शन करी है तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल हो पाया, तभी ये क्वेश्चन हम प्रूव कर पाए, अदरवाइज हम प्रूव नहीं कर पाते, राइट. चले आगे. तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये है क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 4 marker क्वेश्चन था, 4 marks का क्वेश्चन आया हुआ है ये 2015 में. सो देख लो, आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आया सबको समझ, क्लियर हुआ? चले आगे. ओके भाई, हर क्वेश्चन में ना आपको ऐसे ही सोचना है कि हमें कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज रिमूव करनी है. तभी तो मैंने ये सोचा कि अच्छा ठीक है भाई, मुझे ए जी नहीं चाहिए, मुझे ए जी प्लस जी डी अगर मैं कर दूंगी तो मेरे पास ए डी आ जाएगा, ठीक है. तो वही किया मैंने, मैंने एड 1 कर दिया दोनों तरफ, दोनों तरफ 1 एड किया और मेरा काम हो गया, क्लियर. चले आगे. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. और ये वाला क्वेश्चन तो ना मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखा है, डेफिनेटली ये अच्छा क्वेश्चन है, आता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, क्लियर. चलिए देखिए, बी एल और सी एम क्या है, मीडियंस है. तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, जो चीजें हमें गिवन है उनका यूज करना है ना. सो बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, दैट मीन्स एल और एम क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे, दैट इज एल एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, ए सी एंड ए बी. दैट इज क्या हो जाएगा, सी एल इज इक्वल टू एल ए एंड बी एम इज इक्वल टू एम ए. ये चीज हमें क्या है, गिवन है, क्लियर. ये चीज क्या है, हमें गिवन है, डन. मीडियन का मतलब यही होता है, ओके. ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल दैट ए, यानी ये एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, ओके. एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, डन. ये भी चीज हमें गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, टू प्रूव, टू प्रूव 4BL स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर, राइट. ये चीज क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है, ठीक है. अब आपको पता है कि अगर एंगल ए हमारा 90 डिग्री है और ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही क्या चीज समझ में आती है कि व्हाट वी कैन यूज, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना. और तो कुछ नहीं आता दिमाग में, 90 डिग्री एंगल देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, उसका कर लो यूज, है ना. चलिए, सो प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है. इसको मान लिया 1, क्लियर, इसको मान लिया 1. अब ध्यान से देखिए, तो ट्राइंगल
एल बी ए, ट्राइंगल एल बी ए, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना. सो ट्राइंगल एल बी ए यहाँ पे भी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एल बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर. ठीक है, इसको मान लिया टू. क्लियर. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला ट्राइंगल सी एम ए, सी एम ए ये वाला ट्राइंगल भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना. ट्राइंगल सी एम ए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, है ना. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर. राइट, ये चीज हो गई, इसको मान लिया इक्वेशन थ्री. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो यानी आपको क्या चाहिए, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, है ना. आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर. तो अगर आप इक्वेशन टू और थ्री को ऐड कर दो, इक्वेशन टू और थ्री को ऐड कर दो, तो आपका आधा काम तो हो जाएगा. फोर लाना वो बाद में सोचेंगे कैसे आएगा, है ना, लेकिन आधा काम तो हो जाएगा कि आपका ऐड करके ये ब्रैकेट वाली टर्म आ जाएगी, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर. राइट, चलिए, तो एडिंग टू एंड थ्री, एडिंग टू एंड थ्री, ऐसे ही सोचना है एग्जाम में भी कि हमें प्रूफ क्या करना है. इसीलिए तो मैं कहती हूं कि एग्जाम में, चलो अभी तो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन है, इसीलिए हम नहीं भी लिखेंगे गिवन टू प्रूफ, तो एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में टीचर्स इसीलिए ही नंबर कट करती हैं कि बेटा आपने बार बार क्वेश्चन पेपर देख के टाइम वेस्ट किया, इससे बेहतर गिवन टू प्रूफ फटाफट से एक सेकेंड में लिख लो और वहीं पर ही आपको सब क्वेश्चन पेपर रखो असाइड और वहीं पर ही सब अच्छे से सॉल्व करते चलो, है ना. तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जो एक नंबर टीचर कट करती है गिवन टू प्रूव करने के, लिखना लिखने के, वो आपके कट भी नहीं होंगे, है ना. सो छोटे छोटे नंबर भी, ये छोटे छोटे जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, उनको भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि आपके फुल मार्क्स आ पाए. राइट, चलिए, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर प्लस दिस इज एम ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर. ठीक है जी, एम ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर. क्लियर, ठीक है, ये चीज आई, ओके डन. अब देखिए यहां पर अगर मैं बी ए स्क्वायर और सी ए स्क्वायर को देखूं, बी ए स्क्वायर और सी ए स्क्वायर को देखें, तो इक्वेशन वन से मैं उसे लिख सकती हूँ बी सी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर, है ना. सो यहाँ पे इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज बी सी स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर एंड दिस इज रीजन देंगे तो यूजिंग वन. ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ आई. अब देखिए ये चीज भी हमें गिवन है, इसका तो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया, है ना. सो एल ए, एल ए और सी एल इक्वल है, यानी एल ए कैन बी रिटन एज ए सी का आधा, यानी ए सी डिवाइडेड बाय टू. ऐसे ही एम ए को भी मैं लिख सकती हूँ ए बी डिवाइडेड बाय टू, ये लिख सकती हूँ, है ना. सो यहां पे लिख लेते हैं बी सी स्क्वायर प्लस एल ए को मैं लिख सकती हूँ ए सी बाय टू. सो ए सी बाय टू का स्क्वायर प्लस एम ए को मैं लिख सकती हूँ ए बी बाय टू, ए बी बाय टू. ठीक है, क्लियर, ओके. सो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय फोर प्लस ए बी स्क्वायर बाय फोर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर. ठीक है, फोर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय फोर, मल्टीप्लाई बाय फोर ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा, दोनों तरफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर. ठीक है, तो भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया, ये हम चाहते थे, बन गया, ओके. राइट हैंड साइड देखते हैं अब कैसे बनेगा. चलिए, तो ये हो गया फोर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट. और ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर वन की हेल्प से क्या है, हमारा बी सी स्क्वायर है. ठीक है, सो फोर इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई यूजिंग वन.
वन की हेल्प ले ली हमने यहाँ पे, सो दिस बिकम्स 4 BL² + CM² विच इज इक्वल टू 5 BC² और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव, सो हेंस प्रूव्ड, क्लियर, आई बात समझ सभी को, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था और उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इजी राइट, बहुत ही आसान था, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या चीज का यूज हुआ, हमने देखा कि भाई 90 डिग्री एंगल गिवन है, ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, सो वी यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम, और एक ही थ्योरम पढ़ी है हमने इसके ऊपर बेस्ड, कि अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है देन द पाइथागोरस थ्योरम इज सैटिस्फाइड, है ना, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट, चले आगे, तो इजी क्वेश्चन लेकिन समझ आया, इंपॉर्टेंट है, आसान है, समझ आ गया तो एवरीथिंग इज इजी, नहीं समझ आया तो एवरीथिंग इज मुश्किल, एवरीथिंग इज टफ, राइट, चले आगे, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं वो, इन द फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स, एबीसी एंड डीबीसी, एक ऊपर वाला ट्राइंगल है एक नीचे वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी, बीसी क्या है उनका सेम बेस है, ओके, इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट ओ, यानी इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equal to AO upon DO. चलिए शो कर लेते हैं, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें और कुछ नहीं दिया हुआ ना, हमें ये भी नहीं दिया हुआ सिमिलर है नहीं है वॉट एवर, नहीं दिया हुआ, राइट, अब सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे, अगर हमें सपोज, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं PQR और ट्राइंगल DEF, ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो हमें क्या मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ई एफ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी आर अपॉन डी एफ स्क्वायर, राइट, ये चीज हम जानते हैं, राइट, लेकिन अब आप क्या बोलोगे कि मैम ए ओ तो इस ट्राइंगल में आ रहा है, डी ओ इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो इनको सिमिलर प्रूफ करके हम कर सकते हैं, राइट, लेकिन तब भी हमें तो स्क्वायरिंग चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर तो है नहीं, तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है, सो इस चीज का अभी यहां पे कोई यूज नहीं हो रहा, राइट, चलिए तो कोई और तरीका सोचते हैं, ठीक है, अब अगर कुछ भी नहीं समझ आता ना, कुछ भी नहीं दिया और हमें समझ भी नहीं आ रहा, कुछ दिया भी नहीं है ऐसा कि हम जिसको यूज कर पाए, हमें सिर्फ ये बोला है कि वो दोनों ट्राइंगल्स हैं, हमें और कुछ नहीं बोला, राइट, तो हमें क्या करनी पड़ती है, तो हमें करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लेंगे, AM एक परपेंडिकुलर बनाया और DN एक परपेंडिकुलर बनाया, सो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC, ठीक है, ये दोनों क्या कर लिए हमने, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते ही हमें जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज हाफ बेस इन टू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू डी एन, ठीक है, क्लियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें इनका क्या चाहिए, रेशो चाहिए, रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी which is equal to half into BC into AM upon half into BC into DN, right? यही होगी रेशो, क्योंकि ये चीज हमने निकाली तो रेशो लिख लिया, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू AM upon DN, ठीक है, अब भाई ये तो ये चीज आ गई, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था कि ये तो AO upon DO के बराबर है, प्रूव हमें ये करना है, ठीक है, सो इन दोनों अगर ट्राइंगल्स को मैं अब कंसिडर करूं, ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल डी एन ओ, इनको मैं सिमिलर दिखा सकती हूं, सिमिलर दिखाने के बाद हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, है ना, तो इसीलिए अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर दिखा दूंगी तो काम बन जाएगा, और सिमिलर कैसे दिखाएंगे, देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री हैं, देन बाय ए ए रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड वी आर डन, है ना, चलिए लिख लेते हैं फिर, सो इसको मान लो वन, ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ, राइट, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, सो एंगल
AOM इज इक्वल टू DON है ना. सो एंगल AOM इज इक्वल टू DON, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट. सो क्या है वो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. एंड एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, क्यों? एंगल AMO इज इक्वल टू DNO क्योंकि वो दोनों क्या है? 90 डिग्री. सो बाय AA रूल से क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. सो ट्राइंगल AMO इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी DNO, राइट, DNO, ठीक है, सिमिलर हो गए. सिमिलर होते ही वी नो दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, है ना. सो AM अपॉन DN विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO, ये इस चीज का हम यूज कर लेंगे. सो बाय यूजिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी, और हमने कर दी. क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है. 2020 यानी अभी अभी, जस्ट अभी अभी, जो पिछले साल बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं उसमें ही आया हुआ है. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमें एरिया की बात कर रही है तो सबसे पहले दिमाग में ये थ्योरम आ रही है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है आ रही है तो, लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं और हमें कुछ गिवन भी नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर ली? कंस्ट्रक्शन कर ली, राइट. अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ना, इजी, राइट. चलो जी आगे बढ़ जाते हैं फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, CBSE एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए क्या बोल रहे हैं वो. इन द गिवन फिगर इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है. अब भाई एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स क्या है? बराबर है. दैट मीन्स दैट इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. तो आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल. यानी कि अगर ट्राइंगल PST में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दैट मीन्स PS और PT भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है. क्लियर? ये बात समझ आई? ओके. और क्या गिवन है हमें? ट्राइंगल NSQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MTR, यानी कि गिवन अगर हम लिखें तो हमें क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहां से हमने बोल दिया PS इज इक्वल टू PT, ठीक है. उसका रीजन आप ये वाला लिखोगे यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल NSQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MTR. डन. अब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, दैट मीन्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, राइट. कॉन्ग्रेंस और सिमिलैरिटी में यही एक डिफरेंस है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं दोनों में, लेकिन सिमिलैरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है और कॉन्ग्रेंस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में ही इक्वल होती हैं, ठीक है. चलिए, और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं. दैट मींस ट्राइंगल PTS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, राइट. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. अब कैसे करेंगे? देखो PTS कौन सा ट्राइंगल है? PTS दिस ट्राइंगल, ठीक है. और PRQ कौन सा ट्राइंगल है? PRQ इज दिस ट्राइंगल, ठीक है जी. ओके, PRQ इज दिस बिग ट्राइंगल. क्लियर? ओके, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसे. ओके, PTS इज दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल नहीं है. ओके, PTS इज दिस ट्राइंगल एंड PRQ इज दिस बिग ट्राइंगल. क्लियर? हमें ये दिखाना है. डन. ओके, चलिए अब कैसे दिखाएंगे? देखिए हमें क्या गिवन है? ये चीज हमें गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है. दैट मीन्स कौन से ट्राइंगल्स? अगर हम हाईलाइट करके देखें, अगर हम हाईलाइट करके देखें तो NSQ मीन्स दिस ट्राइंगल एंड MTR मीन्स दिस ट्राइंगल. यानी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है हमारे? कॉन्ग्रेंट है, राइट. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, दैट मीन्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, राइट. चलिए ठीक है. ओके, सो प्रूफ. एज ट्राइंगल NSQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MTR, ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है. दैट मीन्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. सो SQ इज इक्वल टू TR, ठीक है.
ये चीज होगी, एस क्यू इज इक्वल टू टी आर है, और हमें ये चीज भी गिवन है कि पी एस इज इक्वल टू पी टी. ठीक है भाई, ये भी हो गया, पी एस इज इक्वल टू पी टी भी हो गया. अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो क्या मिल जाएगा हमें, एस क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू टी आर अपॉन पी टी. राइट, ये चीज मिल गई, यानी कि एस क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू टी आर अपॉन पी टी. ये मिल गया. अब हम जानते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, है ना. सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर. ठीक है, पैरेलल हो गया, दैट मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू दिस एंगल. क्यों होगा, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है. राइट, ठीक है भाई. सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई. और एंगल पी और एंगल पी दोनों में ही कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, एंगल पी कॉमन है ना, इस वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल पी, ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है. सो इन दोनों की वजह से बाय ए ए रूल ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, या ट्राइंगल पी आर क्यू विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी टी एस. ये लिख लीजिए, ट्राइंगल पी टी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, एंड यही चीज हमें प्रूव करनी थी, सो हेंस प्रूव्ड. तो इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन 3 marker क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये जज कर रहे हैं कि आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस के बीच का डिफरेंस मालूम भी है या नहीं. क्लियर, सो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस का डिफरेंस पता होना चाहिए, उसका हमने यहाँ पे यूज किया और हमारा आंसर आ गया, और हमने बीपीटी का भी यूज किया. राइट, चलिए जी, सो आगे बढ़ते हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप लोग खुद से ट्राई करना, हम इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में. तो ये सीबीएसई बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, सो फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स बिगिन विद आवर क्विज, करें क्विज स्टार्ट. चलिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ट्रू है, सही है. ओके, नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन ट्राइंगल ए बी सी इज. ओके, चलिए डिस्कस करें. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट. नो, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में यही डिफरेंस पढ़ा था कि व्हाट इज कॉन्ग्रेंट एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी, है ना, दोनों डिफरेंट बातें हैं. सो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, कि ऐसी शेप्स जो कि सेम शेप है, यानी ऐसी फिगर्स जिनका सिर्फ सिर्फ सेम शेप है, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स एक छोटा है एक बड़ा है, ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है. कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग. सो एवरी कॉन्ग्रेंट शेप या एवरी कॉन्ग्रेंट फिगर इज सिमिलर, बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कॉन्ग्रेंट. सो ये गलत है, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर नेवर कॉन्ग्रेंट. टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कैन बी सिमिलर, बट टू सिमिलर ट्राइंगल्स कैन नेवर बी कॉन्ग्रेंट. ऑलवेज नहीं, हमें कभी कभी हो सकते हैं बट हमेशा नहीं हो सकते. क्लियर, ऑप्शन बी क्या है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. नो, ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेंट के केस में होता है. अगर यहाँ पे कॉन्ग्रेंट होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, अभी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. सिमिलैरिटी तभी होती है व्हेन वी हैव सेम शेप, साइज की कोई बात नहीं होती इसमें. राइट, ऑप्शन सी क्या है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. यस, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन क्या है, बाय एस 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 रूल द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. नो,
दो पॉलीगन्स, भाई पॉलीगन्स तो कोई भी हो सकते हैं, मैं एक पेंटागन ले लूं और एक हेक्सागन ले लूं, तो मैं बोल दूंगी कि भाई यहाँ पे तो फाइव साइड्स हैं, यहाँ पे सिक्स साइड्स हैं, तो प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या वो सिमिलर हो गए? नो, शेप ही डिफरेंट हो गई ना, एक पेंटागन हो गया, एक हेक्सागन हो गया. नो, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत है. सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज बाय SSS रूल. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल एबीसी बोल रहे हैं. वो ट्रायंगल एबीसी में मेजरमेंट्स दी हुई हैं. एबी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है 12 एंड एसी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है. अब एक्यूट, ऑब्ट्यूस ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल हम बता सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि अगर एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square satisfy हो रहा है, तो क्या होगा? जो भी longest side है उसके opposite वाला angle क्या होगा? 90 degree होगा. That means that triangle becomes a right angle triangle. Clear? तो check कर लेते हैं. 20 का square क्या होता है? 400. So that should be equal to this 16 square plus 12 square and 16 square is 256. This is 144. So 256 plus 144, this becomes 10. ये हो जाएगा 10 and 4, राइट? सो ये भी हो गया 400. यानी कि 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो यानी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है. सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हमारा ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. और अगर वो आपसे पूछे कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, तो 20 यानी ए सी के लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल, दैट इज दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. सो एंगल बी विल बी 90 डिग्री एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर? चलिए, सो आज की क्लास तो होती है हमारी यहीं पर फिनिश. लेकिन एज यू गाइज नो कि आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड के लिए एक वीआईपी कोर्स है जो कि स्टार्ट हो चुका है. और इस कोर्स के अंदर आज तो आपके पास एक गुड न्यूज है कि अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्रॉपर इंटरेक्शन होती है टीचर्स के साथ, डिस्कशन होती है, डाउट्स ले पाते हो आप, तो इसके लिए आपके पास एक क्या है? गुड न्यूज है कि अब आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है 25th to 28th January तक अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? 30% ऑफ मिलेगा. और वो 30% ऑफ कैसे आपको लेना है, उसके लिए आपको एक कूपन कोड है रिपब्लिक, REPUBILC, रिपब्लिक आपको क्या करना है? डालना है. उस कूपन कोड को आप डालोगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा. और ये क्या है? हमारा रिपब्लिक स्पेशल वीक है, क्योंकि आप रिपब्लिक डे था कल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ये कूपन कोड आपको दे रहे हैं रिपब्लिक, जिससे आप 30% ऑफ ले सकते हो और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हो. तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के सामने एक पोल आ रहा है, तो फटाफट से बता दीजिए कि हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस कोर्स, यानी आप में से कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हो. भाई एकदम बम्पर ऑफर है, फटाफट से ज्वाइन कर लो. 28th January तक ये ऑफर वैलिड है, और आज क्या हो गई है 27th, यानी कल तक ये ऑफर वैलिड है. इसीलिए फटाफट से रिपब्लिक डालो और 30% ऑफ पालो, है ना? चलिए, सो आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो, समझ आई हो, एंड हम फिर मिलेंगे. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.